वेटरन कॉमेडियन जगदीश का बीती रात निधन हो गया। 81 वर्ष की जगदीप लंबे समय से बीमार थे। कल रात उन्होंने अपने घर पर करीब 8:30 बजे आखिरी सांस ली। 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश में जन्मे जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक जाफरी था। उनके पिता बैरिस्टर थे। 1947 में देश का बंटवारा हुआ और उसी साल उनके पिता की मौत हो गई। उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। जगदीप की माँ उन्हें और बाकी बच्चों को लेकर मुंबई आ गई। बच्चों का पेट पालने के लिए वो एक अनाथ आश्रम में खाना बनाने लगी। अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर जगदीप बहुत रोते थे। उनकी माँ की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ दिया और सड़क पर साबुन कंघी और पतंगे बेचना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू में जगदीप ने अपने बचपन के संघर्ष को याद करते हुए कहा था कि मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ करना था, लेकिन मैं कोई गलत काम करके पैसे नहीं कमाना चाहता था, इसलिए सड़क पर सामान बेचने लगा। जगदीप ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर मुन्ना के रूप में की थी। दरअसल बीआर चोपड़ा अफसाना नाम की फिल्म बना रहे थे और इसके एक सीन के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट चाहिए था। उन्होंने एक्स्ट्रा सप्लायर बच्चों को जमा कर लिया, जिनमें जगदीप भी थे। आपको बता दें कि इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि कंघी बेचकर वो दिन में सिर्फ 1.5 रुपया कमा पाते थे, लेकिन अफसाना के सेट पर उन्हें सिर्फ ताली बजाने के 3 रुपए मिले थे। जगदीप के बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में काम किया। 1975 में आई फिल्म शोले में उन्होंने सूरमा भोपाली का किरदार निभाया, जिससे वो बॉलीवुड में फेमस हो गए। इस किरदार के नाम पर 1988 में भी फिल्म बनी, उसमें भी मुख्य भूमिका जगदीप ने ही निभाई। इसके अलावा कई फिल्मों में उनकी कॉमेडी को पसंद किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि जगदीप ने खुद को उस दौर में स्थापित किया जब जॉनी वॉकर, केशटो मुखर्जी और महमूद की तूती बोलती थी। पर्सनल लाइफ की बबात करें तो जगदीप ने 3 शादियां की थी। उन्होंने नसीम बेगम, सुगरा बेगम और नजीमा से शादी रचाई। जगदीप के 3 बेटे हैं, हुसैन जाफरी, जावेद जाफरी और नावेद जाफरी। उनकी 3 बेटियां भी हैं, शकीरा शफी, सुरैया जाफरी और मुस्कान। जगदीप की 3री शादी को लेकर काफी विवाद हुआ था। दरअसल जगदीप के 2रे बेटे नावेद को देखने के लिए लड़की वाले आए थे, लेकिन नावेद ने शादी से इनकार कर दिया। खबरों की माने तो नावेद उस समय अपना करियर बनाना चाहते थे। वहीं जिस लड़की से नावेद की शादी होने वाली थी, उसकी बहन पर जगदीप का दिल आ गया। उन्होंने उसे प्रपोज कर दिया और वो मान भी गई। बता दें कि जगदीप की 3री पत्नी नाजिमा उम्र में उनसे 33 साल छोटी हैं। खबरों के मुताबिक इस शादी से पहली पत्नी से जगदीप के सबसे बड़े बेटे जावेद जाफरी भी गुस्सा हो गए थे, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। जगदीप की मौत के बाद बॉलीवुड सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।